किसने क्वेश्चन पूछा एक टाइम पे एक स्टार्टअप चलानी चाहिए या फिर मल्टीपल स्टार्टअप चलानी चाहिए। दोनों थॉट्स बताता हूँ आपको क्या है। एक स्टार्टअप वाला जो एक बिजनेस आइडिया के ऊपर काम कर रहा है वो ये सोच रहा है कि भाई जान लगा देनी है इसके ऊपर, और वो मिशन ड्रिवन है, उसको दिमाग में एक प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए वो प्रोडक्ट बना रहा है। जो मल्टीपल आइडियाज के ऊपर काम कर रहा है वो थोड़ा लालची टाइप्स है, या फिर मैं कहूँगा उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज है और वो कोशिश कर रहा है कि मैं वहां से भी कमा लूँ, वहां से भी कमा लूँ, वहां से भी कमा लूँ, वहां से भी कमा लूँ। अगर आप चार पांच आइडियाज के ऊपर काम करोगे तो हर एक आइडिया को स्टार्टिंग में डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। फिर टाइम अगर पाँच आइडियाज के ऊपर किया और एक आइडिया आठ घंटे मांग रहा है आपका दिन का, तो आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं है, तो चांसेस ये है कि कुछ ना कुछ आइडियाज तो फ्लॉप हो गए होंगे। पर कई दिमाग में कई लोगों के आता है अगर एक ही आइडिया के ऊपर काम किया स्टार्टिंग के अंदर वही फ्लॉप हो गया तो फ्लॉप हो जाएगा, चार इकट्ठे किए तो भाई चार में से एक तो चली जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपने आइडियाज के ऊपर। तो मेरा मानना है पहले एक आइडिया के ऊपर काम करो, उसको तैयार करो, उसको स्ट्रांग करो, जब वो स्ट्रांग हो जाए तब दूसरे के ऊपर जाओ, जब वो स्ट्रांग हो जाए तीसरे के ऊपर जाओ। गलत नहीं है मल्टीपल बिजनेसेस करना, पर पहले बिजनेस को एक को स्ट्रांग करके दूसरे पे जाना जरूरी होता है, क्योंकि पहला ऑटोमेट हो जाए, आपको पता लग जाए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक मिनट में नब्ज पकड़ सकोगे आप कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करना है, तब दूसरे के ऊपर जाओ।